सो गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करो। और प्योर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एलिगेशन किस चीज़ से आता है? वेटेड एवरेज से। तो ऑलरेडी वो चीज़ मैंने बता दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसका देख सकते हो, ठीक है। लास्ट में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा वीडियो के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वैसे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है कि 42 रुपये के जी जो है वो सॉल्ट एंड नमक है। हाउ मैनी के जी और 42 पैसे पर के जी अ मैन नेक्स्ट विथ 25 kg ऑफ सॉल्ट एट 24 पैसे पर के जी। देखो, 2 रुपये दिया हुआ है और क्वांटिटी 1 दिया हुआ है। सिंपल सा बात है, क्वांटिटीज का रेशियो होता है इसमें। तो यहाँ पे आपका रुपया दिया हुआ है, पहला जो क्वांटिटी है वो 42 पैसा का क्वांटिटी है, दूसरा क्वांटिटी है वो सॉल्ट का, वो 24 पैसा पर केजी, ठीक है। केजी पैसा पर केजी, यानी कि पहला सॉल्ट का जो क्वांटिटी है वो 42 रुपये का है और दूसरा जो सॉल्ट का क्वांटिटी है वो कितना का है? 24 रुपये का है। यहाँ बोल रहा है कि जब दोनों को मिक्स किया, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया और जो दूसरा वाला क्वांटिटी वो 25 kg मिला है, जो 24 रुपये किलो था, ये वाला 24 पैसा पर केजी था। यानी कि पहला, देखो ध्यान सुनना, पहला वाला जो क्वांटिटी वो 42 पैसे पर केजी है और दूसरा क्वांटिटी है 24 पैसे पर केजी है। इसमें से 25 किलो उठाया, मिला दिया है, दूसरा पता नहीं हमें कितना मिला है, ये नहीं पता। लेकिन जब सेल कर रहा है 40 पैसे पर केजी, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो अब एलिगेशन जब अगर अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे 40 कभी नहीं लेते हैं। तो रीज़न क्या है, 40 क्यों नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते हम? क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। अच्छा, प्रॉफिट इंक्लूड है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है प्रॉफिट से, हम ये क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि जब आप इसको एलिगेशन में करोगे, यानी कि मान लो कि 42 पैसे है और 24 पैसे किसी चीज़ को, जब आप दोनों को मिक्स करते हो, तो आपको यहाँ ये निकालना होता है इस पॉइंट पे कि ऑन एन एवरेज आपको दोनों मिक्स करने के बाद कितना पड़ा। तो देखो, 40 पैसे आप बेच रहे हो, इस पे देखो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका वैल्यू 125 है, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब इसको फ्रैक्शन में भी, 100 का मतलब क्या है? सीपी कितना पड़ा, उसको मिलाने के बाद कितना पड़ा है? तो यहाँ पे 25 चौका 100, 25 5 125, ठीक है, 8 5 40 और 20 और जो का 32, यानी कि 32 रुपीज़ इसको मिलाने के पैसे, सॉरी पैसे पर केजी इसको मिलाने के बाद पड़ा है। यानी कि जब इन दोनों को मिक्स कर ले रहा है, ऑन एन एवरेज इसको 32 पैसे पर केजी उसका दाम पड़ रहा है। किसका दाम? सॉल्ट का, नमक का दाम। ऑन एन एवरेज जब दोनों नमक को मिला दे रहा है और मिला के जब बेच रहा है, बेच नहीं रहा है बस, मतलब जब वो खुद से मिला ले रहा है और मिला के देख रहा है, तो देख रहा है कि ऑन एन एवरेज उसको 32 रुपया पड़ा, जिसको वो 40 रुपया 40 पैसा पर के जी बेचता है, जिस पे वो कितना परसेंट? 25% कमाता है, क्योंकि 32 से 25% 40 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिगेशन निकल लगा सकते हो आप, ठीक है। एलिगेशन कैसे लगाते हैं? सिंपल सा आ जाओ, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिगेशन बस इसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 10 है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 8 है। यानी कि जो रेशियोज होगा क्वांटिटी का, वो क्या हो जाएगा? 4:5 का। क्वांटिटीज का रेशियो क्या हो जाता है? 4:5। याद रखना है, एलिगेशन एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि वेटेड एवरेज से आता है। वेटेड एवरेज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, और कैसे, मतलब जो एलिगेशन के पिताश्री हैं वो वेटेड एवरेज ही हैं, वो आप जाके देख लेना, ये सारी चीज़ें एलिगेशन की कन्फर्म आपको समझ में आ जाएगी। तो जो मिला है वो 4:5 kg मिला है। यहाँ पे 4:5, यानी कि जो सेकंड वाला है, इस 5 का वैल्यू 25 दिया हुआ है, तो इसमें 5 से इंटू है, यानी कि 25 kg सेकंड वाला को मिला है। यानी कि इसमें भी जब 5 से इंटू करोगे, तो यानी कि 20 kg फर्स्ट यूनिट को मिला है, यानी कि 20 kg पहले सॉल्ट को मिला है और 25 kg सेकेंड सॉल्ट को मिला है। दोनों को जब मिक्स किए हैं तो 32 पैसे पर केजी पड़ रहा है, जिसको हर हर 1 kg पे हम लोग 40 पैसे पर केजी पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।